साथियों, आज हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं, धर्म की आड़ में जो गोरख धंधा हो रहा है, और 5000 वर्ष पहले की परंपरा को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आज धर्म के ठेकेदार के लोगों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, र्यूमर फैलाया जा रहा है, आज मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा कि क्या कभी आपने सोचा है हम लोग कहां से कहां आ गए, टायर गरी से हवाई जहाज पर पहुंच गए, चिट्ठी से, टेलीग्राम से, मोबाइल वायरलेस और वीडियो कॉल पर पहुंच गए, ऐसे ही अगर आप कोयले की गाड़ी से हम मेट्रो गाड़ी पर पहुंच गए, ये तमाम परिवर्तन हुए, लेकिन कभी आपके धर्म पर क्यों परिवर्तन नहीं हुआ, आपके धर्म को लेकर जो सोच बढ़नी थी वो क्यों नहीं बढ़ा। आज मैं इसी पर आपसे कुछ बातें कहने वाला हूं। कभी आपने सोचा कि 1947 से पहले इस देश में कितने करोड़ देवता हुआ करते थे, फिर भी हमारा देश गुलाम हो गया, कितनी माताओं बहनों के मांगों की सिंदूर को धो दिया गया, लेकिन कोई भी देवता अहंकार से, कोई भी देवता अंग्रेजों की आतताई से लड़ने नहीं आए। देवताओं ने सिर्फ राक्षसों को ही हराया, ये इतिहास में है, महाभारत में है, रामायण में, उससे पहले भी है, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों को क्यों नहीं हराया, ये बात कभी आपने सोचा? महिषासुर को मारकर दुर्गा देवी कहलाई और बलात्कारियों को मारकर फूलन देवी डाकू कैसे हुई, कभी आपने इस बात को सोचा? पहले तो धराधर अवतार जन्म लेते थे, जब इस देश में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जब इस देश में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, जब इस देश में इंटेलेक्चुअलिटी की कमी थी, जब देश में धर्म के जानकार और ठेकेदार नहीं थे, और आज क्या है, जब शिक्षा व्यवस्था चरम पर है, शिक्षा का युग आते ही अवतारों की नसबंदी क्यों हो गई, कहां गए वो सारे अवतार, कभी आपने सोचा है? आस्था ही अंधविश्वास की जननी है, यह भी उतना ही सत्य है, क्योंकि आज जो चीजें हो रही हैं वो आस्था मूत्र पिला रही है और नारियल का शुद्ध पानी फिकवा रही है, ये आस्था का ही देन है। भारत का एक ऐसा इकलौता देश है, भारत एक ऐसा इकलौता देश है कि जहां मिट्टी की मूर्ति को देवी कहकर कपड़ा बनाया जा रहा है और जिंदा औरत को नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा है इस पर? क्या कभी आपने अफसोस व्यक्त किया है कि धर्म का धंधा हो रहा है? बल्कि अफसोस इस बात का कि आज पढ़े लिखे लोग भी अंधा हो रहे हैं। आजकल पिताजी का पता नहीं, लेकिन हर जगह माता जी का जय। कभी आपने सोचा है 9 दिन मिट्टी की मूर्ति के लिए भूखे नंगे रह लेने वाले लोग रह लेते हैं, लेकिन जो 9 माह पेट में पाला जिस माँ ने, उसे कभी भी 9 दिन उसके साथ जो है, कभी नौ दिन आप उनके लिए भूखे रह लो, जिन्होंने 9 महीने तक कोख में पाला है, कभी उनके लिए 9 दिन 2 दिन भूखे रह लो। जो साक्षात देवी हैं, जिन्होंने आपको इस धरती पर अवतरित किया, लाया, एडिशन ने बल बनाया, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है, केवल सिर्फ एक देश है भारत, जो भारत जानता है। महसूस किया है कभी आपने उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी वीर से बार बार पूछ रहा है कि आप में से राम कौन है? इस पर गौर करना पड़ेगा मेरे साथियों। अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे हैं, पापी पुतले अकर के खड़े हैं, कागज के रावण मत फूको साथियों, जिंदा रावण बहुत परे हैं। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, खासकर सावन महीने में। दलाली रिश्वत हराम की कमाई खाने में पाप नहीं लगता। बारे इंटेलेक्चुअलिटी, यह भी एक उच्च कोटि का इंटेलेक्चुअलिटी है समाज में। इसलिए साथियों, आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, और समाज में जो अंधविश्वास है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आस्था में विश्वास ना करें, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा जो चीज होता है वो समाज के लिए खतरा होता है, परंपरा के लिए खतरा होता है,
वो हर चीज के लिए खतरा होता है जो अति होता है। इसलिए इतना भी आप अंधविश्वास में ना दिए कि आपका जो मौलिकता है, जो सामाजिकता है, जो नैतिकता है, वो डूबती चली जाए। मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि इस आवाज को, इस संदेश को और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। मैंने शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ।